नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार का दिन है। आज दोपहर बाद 3:45 तक वैद्यत योग रहेगा। इसके अलावा आज शाम 5:09 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आज से पंचक भी शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही आज शाम 4:21 से शुरू होकर देर रात 3:11 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 11 जून की दोपहर 2:32 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 10:35 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 11 जून की दोपहर 2:32 से शुरू होकर अगली सुबह 5:11 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:32 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:37 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:58 से शाम 4:51 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जून की सुबह 9:03 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 10 जून की सुबह 5:23 से सुबह 8:04 तक, और एक बार फिर सुबह 10:24 से दोपहर 2:02 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:02 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:07 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:28 से दोपहर बाद 3:01 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:32 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:37 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:58 से शाम 4:51 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 जून की सुबह 5:24 से सुबह 9:41 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:58 से दोपहर बाद 3:10 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त तो कल यानी कि 10 जून की सुबह 5:23 से सुबह 8:04 तक, और एक बार फिर सुबह 10:24 से दोपहर 2:02 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 3:46 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए।
अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:20 तक, मुंबई सुबह 10:58 से दोपहर 12:37 तक, चंडीगढ़ सुबह 10:36 से दोपहर 12:21 तक, लखनऊ सुबह 10:22 से दोपहर 12:05 तक, भोपाल सुबह 10:37 से दोपहर 12:19 तक, कोलकाता सुबह 9:54 से दोपहर पहले 11:35 तक, अहमदाबाद सुबह 10:57 से दोपहर 12:38 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:31 से दोपहर 12:07 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप खुद को पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। इस ऊर्जा का लाभ आपको अपने काम में साफ साफ दिखाई देगा। आज स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज करियर में तरक्की की संभावनाएं बनेंगी। आपकी कोशिशें आज रंग लाएंगी और आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के व्यापारी वर्ग को आज फायदा हो सकता है। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। लवमेट से देर तक बात होगी, कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज किसी महत्वपूर्ण काम में आपका शरीर पूरा साथ देगा। आप किसी काम को नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो छात्र अपने करियर की शुरुआत में हैं, उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आज परिवार को समय देने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे परिवार के लोग आपके नज़दीक आएंगे। आज आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। ऑफिस में रुका हुआ कोई कार्य आज पूरा करने में सफल होंगे। बॉस आपकी तारीफ करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज किस्मत आपके साथ रहने वाली है। इनकम के रास्ते में चल रही रुकावटें आज खत्म होने के योग बन रहे हैं। आज बड़े भाई या बहन का पूरा सहयोग मिलेगा। पैसों से संबंधित कुछ मामलों में आज आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग बन रहे हैं। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ जिंदगी का बेहतरीन अनुभव मिलेगा। आज किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, इससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज आप पर टारगेट में मिले काम को पूरा करने के लिए दबाव बना रहेगा। दिन भर काम करने के बाद भी कुछ काम बाकी रह जाएगा। किसी सहकर्मी से सहयोग भी मिलेगा। आज परिवार में मिली जिम्मेदारी को आप पूरा करने में सफल होंगे। विरोधी पक्ष आज आप पर ताक लगाए बैठे रहेंगे। शारीरिक रूप से आज आप स्वस्थ महसूस करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज जंक फूड अवॉइड करें। किसी कार्य को पूरा करने में जीवनसाथी की सलाह कारगर साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे, जिससे आपकी अच्छी इनकम होगी। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने के बारे में विचार करेंगे। आज आपको अपने खर्चों पर रोक लगानी चाहिए। पिछले कुछ समय से आप जिन जिम्मेदारियों से बचना चाह रहे हैं, आज उन्हें पूरा करना पड़ सकता है। काम को पूरा करने के लिए आपको अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस राशि के जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं, आज उनकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज के दिन आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी। आज अलग अलग लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। आर्थिक लेन देन आपके पक्ष में रहेगा। आज जीवनसाथी के साथ बाजार में खरीदारी करने जा सकते हैं।
आज ऑफिस में आपके काम की नई योजनाओं से सीनियर्स खुश होंगे, आपकी आमदनी के जरिए के नए जरिए बनेंगे। इस राशि के जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, आज उन्हें विदेश की किसी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। साथ ही खान पान का ध्यान रखें। आज अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए किसी बड़े की मदद कारगर साबित होगी। आर्थिक स्थिति आज सामान्य बनी रहेगी। आज आप बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को आज किसी सामाजिक समारोह में बुलाया जा सकता है। वहां लोग आपकी बातों से काफ़ी प्रभावित होंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। दांपत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपकी कलात्मक शैली को काफ़ी सराहना मिलेगी। कहीं से अचानक धन लाभ की संभावनाएं भी बन रही हैं। इस राशि की महिलाएं आज किटी पार्टी में जा सकती हैं, वहां आपकी नई दोस्त बनेंगी। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे। आज आप जिस किसी भी काम को करने के लिए चुनेंगे वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। स्वास्थ्य भी आज पहले से काफ़ी बेहतर रहेगा। लव मेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। रिश्ते में नयापन आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही सक्रिय और लोगों से मेलजोल बढ़ाने वाला है। कई लोग आपकी राय मांगेंगे। अचानक किसी काम से यात्रा के योग भी बन रहे हैं। इस राशि के मेडिकल स्टूडेंट्स को आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज आपका पारिवारिक वातावरण शानदार रहने वाला है। जीवन साथी आज आपको कोई उपहार देंगे। आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज किसी से बात करते समय मीठी भाषा का प्रयोग करें। आज ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में जल्दबाजी न करें, काम बिगड़ सकता है। आज व्यायाम पर ध्यान देंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। घर में नन्हे मेहमान के आने से उत्सव जैसा माहौल बनेगा। पार्टी का भी आयोजन करेंगे जिसमें लोगों का आपके घर आना जाना लगा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। गुरुजनों से आशीर्वाद मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपका विश्वास अपने ऊपर बना रहेगा। ऑफिस में आपके दिए सुझावों पर गौर किया जाएगा जिससे कंपनी को फायदा मिलना तय है। नया काम शुरू करने को लेकर भी आज विचार कर सकते हैं। आज घर का माहौल अच्छा रहेगा। पिछले कई दिनों से रुका हुआ काम आज पूरा होगा। इस राशि के जो लोग मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें आज किसी मीडिया कंपनी में काम करने का सुनहरा मौका मिलेगा। लव मेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। बिजनेस में आज आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। आपको काफी धन लाभ भी हो सकता है। आज आपका नए लोगों से कांटेक्ट बढ़ेगा। आज आप धैर्य बनाए रखें, परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। स्टूडेंट्स को आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। जीवन साथी के साथ कई दिनों से चल रही अनबन आज आपके पहल करने से समाप्त हो जाएगी। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ घर की सफाई करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये खुशी आपके जॉब लगने की भी हो सकती है। मूलांक 2, आज आपके काम की खूब तारीफ होगी। दोस्तों के साथ किसी अच्छी जगह पर पार्टी कर सकते हैं। मूलांक 3, आज आपको नई खुशियां मिल सकती हैं। ये खुशी किसी नन्हे मेहमान की भी हो सकती है। मूलांक 4,
आपका काफ़ी दिनों से रुका हुआ धन आज आपको वापस मिलने वाला है। मूलांक 5, आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यापार में वृद्धि एवं विकास करने के लिए कुछ नया प्लान कर सकते हैं। मूलांक 6, आज छात्रों के लिए दिन बेहतर होगा। उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मूलांक 7, आज बिजनेस में कोई नई डील हाथ लग सकती है जिससे आप मालामाल हो जाएंगे। मूलांक 8, आज किसी खास दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, उनके साथ आप पूरा दिन बिजी रहेंगे। मूलांक 9, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। व्यवहारिक प्रवृत्ति को देखकर लोग आपकी तारीफ करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में सुनहरी मछली रखने के बारे में। कहते हैं मछलियों का होना घर में धन और सुख समृद्धि लेकर आता है। मछलियों की उछल कूद से मन को शांति मिलती है और अपनी सारी और ये शांति अपने साथ सारी नकारात्मकता को बाहर कर देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सुनहरी मछली रखनी चाहिए। घर के सौभाग्य को बढ़ाने में सुनहरी मछली बहुत लाभदायक होती है। सुनहरी मछली यानी गोल्ड फिश को सबसे अधिक पवित्र और संपन्नता देने वाली माना जाता है। सोने के जैसी प्रतीत होने वाली ये मछली आपके जीवन में भी सोने की चमक बिखेर देगी। आप किसी छोटे से एक्वेरियम में अपने घर के ड्राइंग रूम की पूर्व या उत्तर दिशा में सुनहरी मछली को रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर में सुनहरी मछली रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज शाम 4:21 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:45 तक वैधित योग रहेगा। ये योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज शाम 5:09 से शुरू होकर कल दोपहर 3:39 तक रवि योग रहने वाला है। बता दूं कि इस योग के प्रभाव से आपके सारे काम बन सकते हैं। इस योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। सूर्य के प्रभाव वाला ये रवि योग बहुत ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, अपितु ये सुफल ही देता है। रवि योग सभी कुयोगों को अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। अतः इस योग में जो भी कार्य किए जाएं वो सफल जरूर होते हैं। आप भी अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए आज के दिन बेहद शुभ रवि योग का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा शाम 5:09 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से धनिष्ठा को 23वां नक्षत्र माना जाता है। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे धनवान। धनिष्ठा नक्षत्र को सुख समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र व्यावहारिक कौशल और ऊर्जा से भरपूर रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र के पहले दो चरण मकर राशि में आते हैं और आखिरी दो चरण कुंभ राशि में आते हैं। लिहाजा धनिष्ठा नक्षत्र का मकर और कुंभ राशि पर प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं तथा इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है, जबकि इस नक्षत्र का संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को धनिष्ठा नक्षत्र के दौरान शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही आज इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप शमी के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा बता दूं कि आज सुबह 6:02 पर पंचक नक्षत्र भी शुरू हो गए थे और 13 जून की दोपहर 1:32 तक रहेंगे। आपको याद दिला दूं कि धनिष्ठा एक पंचक नक्षत्र है और धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में धनिष्ठा पहला पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में वुडवर्क नहीं करना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अतः 13 जून तक दोपहर 1:32 तक आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आज शाम 4:21 से शुरू होकर देर रात 3:11 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि जब चंद्रमा कर्क सिंह कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास
पृथ्वी लोक पर माना जाता है। आज चंद्रमा का वास कुंभ राशि में है, लिहाजा आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। वैसे तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिन्हें आज के दिन के दौरान करने से वो सिद्ध हो जाएंगे। जैसे किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, छापा मारने के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए और दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा बड़ी ही प्रशस्त है। तो ये थी चर्चा वैदिक योग, रवियोग, धनिष्ठा नक्षत्र, पंचक और पृथ्वी लोक की भद्रा के बारे में। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपाय की। अगर आप अपनी धन संपत्ति में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज रवियोग के दौरान यानी 5:09 के बाद स्नान कर एक एकाक्षी नारियल लीजिए और उसे अपने मंदिर में रखिए। अब भगवान की पूजा करें, भगवान को पहले पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं और फिर अच्छे से धूप दीप दिखाइए। भगवान की पूजा के बाद ठीक इसी प्रकार एकाक्षी नारियल की भी पूजा करें। पूजा के बाद उस एकाक्षी नारियल को मंदिर में ही रखा रहने दें। आज के दिन ये उपाय करने से आपके धन में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन बाजार से माँ लक्ष्मी के कमल के ऊपर बैठी हुई, कमल के फूल पर बैठी हुई एक तस्वीर लाइए और अपने मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद देवी माँ को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख बना रहेगा। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन 1 रुपये का सिक्का लीजिए और उसे अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दीजिए। अब सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और फिर आज पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं और मुकदमे में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको दुर्गा बीसा यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आज के दिन ताम्र पत्र पर यानी तांबे के पत्र पर बने दुर्गा बीसा यंत्र की स्थापना करके उसकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अगर आप तांबे के पत्र पर बना यंत्र नहीं ले सकते तो भोज पत्र पर अनार की कलम लेकर चंदन या केसर की स्याही से दुर्गा बीसा यंत्र बनाना चाहिए। अगर आपके पास ये सब न हो तो आप सादे कागज पर लाल रंग की स्याही से, लाल पेन से यंत्र बना सकते हैं। यंत्र की फोटो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ऐसे ही यंत्र बनाना है और यंत्र बनाने के बाद उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और उस पर माता दुर्गा के मंत्र का जप करें। मंत्र है वही नवान मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। आप इस मंत्र का 11,000 से लेकर 51,000 बार तक जप कर सकते हैं। आप जितने मंत्रों का जप करेंगे आपका यंत्र उतना ही प्रभावशाली होगा। आज के दिन ऐसा करने से और उसे ताबीज में भरवाकर गले में धारण करने से आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी और मुकदमे में भी जीत हासिल होगी। अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आपको देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। साथ ही देवी माँ को घी और मखाने का भोग लगाना चाहिए और उनके आगे हाथ जोड़कर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसे चावल से भर दें। चावल के ऊपर उस 1 रुपये का सिक्का और हल्दी की गांठ रखें। अब उस पर ढक्कन लगाकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपदा में खूब बढ़ोतरी होगी।
अगर आप किसी महत्वपूर्ण डील के लिए आज के दिन कहीं बाहर जा रहे हैं और आप उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन आपको घर से बाहर जाते समय पहले लक्ष्मी माँ को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, फिर थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर घर के बाहर जाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का संचार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, फिर दाहिने हाथ में फूल लेकर देवी माँ के आगे रखें और उन्हीं फूलों के ऊपर एक मिट्टी के दीपक में घी डालकर रुई की बत्ती लगाकर ज्योति जलाएं। साथ ही देवी माँ को लाल चुनरी चढ़ाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का संचार होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी की खूब तरक्की हो, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए, तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद देवी लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है श्रीं ह्रीं श्रीं। इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन की खूब तरक्की होगी और उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन साथी की। अगर आप जीवन में अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पर स्टैंड कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आज के दिन माता लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाएं, साथ ही दूध चावल की खीर चढ़ाकर बनाकर उससे देवी माँ को भोग लगाएं और प्रसाद रूप में छोटे बच्चों में बांटें। स्वयं भी आज थोड़ा प्रसाद जरूर खाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन में बेहतर पोजीशन पर स्टैंड होंगे। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि बरकरार रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेनी चाहिए और उन्हें अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा के कोने में एक लकड़ी की चौकी पर किसी बर्तन में स्थापित करना चाहिए। फिर उन्हें दूध से स्नान कराना चाहिए, इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर उन मूर्तियों को बर्तन में से निकालकर कपड़े से पोंछकर अपने मंदिर में स्थापित करें और बर्तन में पड़े पानी और दूध को पूरे घर में छिड़क दें। इसके बाद देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज वैदित योग, रवि योग, धनिष्ठा नक्षत्र, पंचक और पृथ्वी लोक की भद्रा के दिन किए जाने वाले उपायों की। इसके अलावा शुक्रवार के दिन किस प्रकार देवी लक्ष्मी को प्रसन्न कर, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपनी आर्थिक स्थिति से जुड़ी परेशानियों को दूर किया जा सकता है, हमने इसकी भी चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज का दिन अच्छा रहेगा, कुछ नया काम करने का विचार मन में आ सकता है। बी, आज आपको किसी काम में माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, काम बनते नजर आएंगे। सी, आज घर वालों के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं, बेहतर होगा फिजूल खर्ची न करें। डी, आज सरकारी नौकरी वालों की पदोन्नति होने के चांसेस नजर आ रहे हैं और ट्रांसफर भी मिल सकता है। ई, आज रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा जिससे आपकी सेविंग्स मजबूत बनेंगी। एफ, आज ऑफिस में पुराने काम तेजी से पूरे करेंगे, काम का बोझ भी हल्का होगा। जी, आज शिक्षकों का दिन अच्छा बीतेगा, वेतन में वृद्धि भी हो सकती है। एच, आज कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का विचार बना सकते हैं, घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आई, आज हर कोई आपकी बातों को सुनना पसंद करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। जे, आज कार्य संबंधी यात्रा का योग बन रहा है, ये यात्रा आपके लिए सुखद होगी। के, आज किसी बड़े अधिकारी के सहयोग से आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। एल, आज अचानक आपके घर कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार का आगमन होगा जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। एम, आज दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं।
एन आज छात्रों के लिए दिन बेहतरीन है, आपकी कड़ी मेहनत आपको एक नए मुकाम की ओर ले जाएगी। ओ आज आपके ऊपर अनावश्यक कार्यों का बोझ आ सकता है, लेकिन समझदारी से कार्य पूरा करने में सफल भी हो सकते हैं। पी बेहतर होगा आज किसी व्यक्ति से बहस करने से बचे, आपके कार्यों पर ध्यान दें। क्यू आज किसी मांगलिक समारोह में जाने का मौका मिल सकता है, वहाँ पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो सकती है। आर आज आपको संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी, उन पर आपको गर्व भी होगा। एस आज मौसम का लुत्फ उठाएंगे, साथ ही शाम के समय बच्चों के साथ किसी पार्क में जा सकते हैं। टी आज आप शाम का समय परिवार वालों के साथ बिताएंगे, घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। यू आज रोज़मर्रा के कामों को लेकर कोई नई योजना बना सकते हैं, काम समय पर पूर्ण होंगे। वी आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, बॉस भी आपसे बेहद खुश होंगे। डब्ल्यू आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। एक्स आज स्वास्थ्य पहले के अपेक्षा बेहतर रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम करना आपके लिए अधिक फायदेमंद होगा। वाई आज किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, वहाँ पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है। जेड बेहतर होगा आज जंक फूड का सेवन करने से बचें, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं अम्बा जी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के बनासकांठा में स्थापित है। 51 शक्तिपीठों में शामिल इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। यहाँ माता सती की कोई भी प्रतिमा नहीं रखी हुई है, बल्कि यहाँ मौजूद श्री चक्र की पूजा की जाती है। ये मंदिर गुजरात के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। लोग दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने पहुँचते हैं, तो आप भी घर बैठे कीजिए माँ अम्बा जी के पवित्र दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की वर्गाकार आकृति वाले चेहरों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मुख्य रूप से चार तरह की वर्गाकार आकृति के चेहरे वाले लोग होते हैं, समवर्गाकार, चौड़े वर्गाकार, लंबे वर्गाकार और विषम वर्गाकार। इस कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे समवर्गाकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। इस आकृति में चेहरे के चारों कोण 90 अंश के होते हैं, यानी उनकी लंबाई चौड़ाई एक समान होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इन लोगों का शारीरिक विकास ठीक होता है, सेहत के मामले में भी ये स्वस्थ रहते हैं। आपको बता दूं कि ऐसे लोग प्रायः सेना, किसी व्यापार अथवा कारखाने में काम करने वाले, दूर की यात्राएं करने वाले या फिर जहाज आदि से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा समवर्गाकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 जून को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज शाम 4:21 तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 2:02 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत रिंग 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वः। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज पड़ोसी को नमस्कार करके काम पर जाइए, सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।